फ्री फायर गेम में OB41 अपडेट के बाद कुछ कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस करे गए हैं और गेम के अंदर दो नए कैरेक्टर आए हैं, तो सभी कैरेक्टर की एबिलिटी को रिवील करेंगे प्रैक्टिकल के साथ और कंपेयर करेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसका नाम है एंटोनियो कैरेक्टर। एंटोनियो कैरेक्टर की जो एबिलिटी है ना OB40 के टाइम तक, वो आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो कि जैसे ही आप लोग एंटोनियो कैरेक्टर को यूज करते थे तो आप लोगों को 40 HP एक्स्ट्रा मिल जाती थी, यानी कि आपके पास में 240 HP हो जाती थी और इस HP के ऊपर जो लोग भी डैमेज करते थे वो आपको डैमेज लगता था। लेकिन OB41 अपडेट के बाद में एंटोनियो कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी जैसे ही मैंने यूज करी तो मेरी HP के ऊपर 40 शील्ड पॉइंट आ गया है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। अब जो भी एनिमी डैमेज करेगा या फिर ग्रेनेड से जो भी डैमेज होगा वो अब इस HP के ऊपर लगेगा, उसके बाद मेरी मेन HP डैमेज होगी। शील्ड HP का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, अगर कोई आइस ग्रेनेड करता है तो ये वाली जो HP है वो वर्क नहीं करेगी। अगर आप लोग कहीं से जंप करते हो और साथ में अगर आप लोग जोन से डैमेज लेते हो तो भी ये वाली HP वर्क नहीं करेगी। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वाला कैरेक्टर आप लोगों को कैसा लगा। हमारी लिस्ट का जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है सानी कैरेक्टर। सानी कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। OB40 अपडेट तक सानी कैरेक्टर आप लोगों के बेस्ट की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करती थी, लेकिन OB41 अपडेट के बाद सानी कैरेक्टर की जो एबिलिटी होगी वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। आप लोगों को 50 शील्ड पॉइंट मिलेंगे, लेकिन इस कैरेक्टर का जो शील्ड पॉइंट है ना वो तभी वर्क करेगा जब आप लोग एक्टिव स्किल वाले किसी कैरेक्टर की एबिलिटी पर क्लिक करते हो। बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने एक आलोक वाला कैरेक्टर को यूज किया तो आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा शील्ड पॉइंट है वो एक्टिव हो गया है, और ये जो 50 शील्ड पॉइंट है ना ये 5 सेकंड के लिए रहने वाले हैं। इसकी जो सेकंड एबिलिटी है वो तो और भी कमाल की है। 10 मीटर की रेंज में अगर आपका कोई भी फ्रेंड होता है तो उसको भी 50 शील्ड पॉइंट मिल जाएंगे। इस वाला कैरेक्टर की एबिलिटी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हमारी लिस्ट का जो तीसरा कैरेक्टर है उसका नाम है सीरू कैरेक्टर। सीरू कैरेक्टर की एबिलिटी में भी कमाल चेंजेस करे गए हैं। OB40 अपडेट तक सीरू कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही कोई एनिमी डैमेज करता था तो उसके ऊपर एक मार्क आ जाता था, लेकिन वो वाला मार्क केवल और केवल उसी एक ही एनिमी के ऊपर रहता था और आपके फ्रेंड को पता नहीं चलता था। लेकिन OB41 अपडेट के बाद आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो कि सीरू कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही एनिमी ने डैमेज दिया तो उसके ऊपर एक मार्क आ गया है, और ये वाला मार्क मैक्सिमम 4 एनिमी तक हो सकता है। अगर दूसरा कोई एनिमी डैमेज देता है तो उसके ऊपर भी मार्क आ जाएगा, मतलब ऐसा ही करते करते 4 कैरेक्टर पर मार्क रहेगा, और साथ में ये वाला जो मार्क है ना वो 6 सेकंड तक रहने वाला है। यानी कि आप लोगों को भी फायदा होगा, आप लोग एनिमी की लोकेशन देख सकते हैं और साथ में आपका जो भी फ्रेंड होगा 100 मीटर की रेंज में उसको भी ये पूरे के पूरे मार्क दिखने वाले हैं। तो कमाल की एबिलिटी है, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को इसकी एबिलिटी कैसी लगी। इसके अलावा जो हमारी लिस्ट का चौथा कैरेक्टर है उसका नाम है नायरी कैरेक्टर। नायरी कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। ये वाला कैरेक्टर अभी के टाइम पर ग्लू वॉल पर डैमेज इंक्रीज कर देता था, और अगर आप लोग ग्लू वॉल लगाते थे तो आप लोगों की ग्लू वॉल की पावर को इंक्रीज यानी कि रिपेयर करता था। लेकिन OB41 अपडेट के बाद जब भी आप लोग नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी को लेंगे तो ग्लू वॉल की पावर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में जब आप लोग ग्लू वॉल को लगाएंगे तो आप लोगों को 40 HP मिल जाएगी। अभी के टाइम पर शायद ये वाला कैरेक्टर यूज करने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वाला कैरेक्टर यूज करने के लिए मिलेगा तो हम डेडिकेटेड वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ये वाले कैरेक्टर्स थे जिनकी एबिलिटी में चेंजेस करे गए हैं। अब आपको मैं दो न्यू कैरेक्टर की एबिलिटी बताता हूँ जो कि नए कैरेक्टर गेम के अंदर आने वाले हैं। OB41 अपडेट के बाद में जो सबसे पहला कैरेक्टर आने वाला है उसका तो अभी नाम पता नहीं है, लेकिन उसकी एबिलिटी को ग्रेनेड ने अलवारो कैरेक्टर के अंदर डाल दिया है। ये वाला कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर होने वाला है, आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। जैसे ही मैं इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करता हूँ तो ये वाला कैरेक्टर फायर बॉल बना देता है। ये वाली जो फायर बॉल है इसके अंदर अगर कोई एनिमी निकलता है, जैसे ये एक साइड से दूसरी साइड जाता है, तो उसको 40 का डैमेज पड़ेगा एक बार निकलने पर। साथ में इसकी जो दूसरी एबिलिटी है, अगर दीवार के एक साइड रहकर के एनिमी आपके ऊपर एम करेगा तो उसका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा, उसे मतलब अंदाज करके ही आपको डैमेज करना पड़ेगा कि आप कहां पर खड़े होंगे। तो कमाल का कैरेक्टर होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा न्यू कैरेक्टर आने वाला है उसका नाम है सूजी कैरेक्टर। सूजी कैरेक्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको FF टोकन कलेक्ट करने में। जैसे ही आप लोग एक एनिमी को डाउन करते हो तो आप लोगों को 100 FF टोकन मिल जाते हैं, और अगर आप लोग हिट लिस्ट परचेस करने के बाद में डैमेज करोगे तो आप लोगों को 500 FF टोकन मिलेंगे। कमाल का कैरेक्टर होने वाला है। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन कौन से कैरेक्टर्स की आप लोगों को एबिलिटी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन से कैरेक्टर की नहीं आई है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।